नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन टेक आइडियाज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि टिकटॉक पर कैसे वायरल हो सकते हैं वीडियो अपने। दोस्तों टिकटॉक पर वीडियो तो आजकल हर कोई बना ही लेता है, लेकिन उसके वीडियो वायरल होने में दिक्कत आती है। ना तो उसकी कोई वीडियो देखता है, ना ही कोई वीडियो लाइक करता है। दोस्तों ऐसे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ आज सिर्फ वो 5 ट्रिक्स जिनकी मदद से आप अपने टिकटॉक वीडियो चुटकियों में वायरल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर ये आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 आता है ऑडियंस रिटेंशन। दोस्तों आपके वीडियो पर ऑडियंस कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है और कितनी देर तक आ रही है, कितनी देर तक वो आपका वीडियो वॉच कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ही अहम पहलू है। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपकी ऑडियंस अपने को कुछ सस्पेंस क्रिएट करके रखना है वीडियो के ऊपर। जैसे कि अपने 15 सेकंड का वीडियो रहता है उस पर कम से कम जैसे आपने वीडियो अपलोड करी तो वो दस दस लोगों के पास में वो टिकटॉक आपकी स्क्रीन पर मोबाइल की स्क्रीन पर 10 लोगों की स्क्रीन पर भेज देता है। वो 10 लोग अगर आपकी वीडियो को 10-10 सेकंड भी देखते हैं तो वो आगे फिर 10 लोगों को वीडियो फॉरवर्ड हो जाता है उनकी स्क्रीन पर। दोस्तों अगर आपका सस्पेंस नहीं रहेगा वीडियो में, आपको मतलब कुछ भी वीडियो के अंदर सस्पेंस लगा के रखना है ताकि वो 10 सेकंड तक तो आपकी वीडियो वॉच करे ही करें। दोस्तों अगर आपका वीडियो लोग बाग बिना देखे ही स्वाइप कर देते हैं ऊपर की तरफ तो वो वीडियो आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड होगा ही नहीं और आपकी वीडियो वायरल होगी ही नहीं, मतलब नहीं है कुछ वीडियो बनाने का। इसलिए सस्पेंस जरूर क्रिएट करें अपने शुरू की वीडियोज़ में। सस्पेंस क्रिएट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं वीडियो के ऊपर, या फिर अपने वीडियो के ऊपर ही लिख सकते हैं कि आगे तक देखिए क्या होने वाला है, ऐसा कुछ भी मतलब एक पॉइंट लिखे। जैसे हम यूट्यूब का थंबनेल बनाते हैं उसी प्रकार हमको टिकटॉक पे भी बनाना है कुछ ऐसे ही, ऊपर लिखना जरूर है उस वीडियो के ऊपर एडिट करके कि एंड तक देखे ये होएगा वो होगा, ऐसे कुछ भी अपने को लिखना जरूर है ताकि वीडियो लोग एंड तक देखे, सस्पेंस क्रिएट हो उसमें। ठीक है दोस्तों ये तो हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। फ्रेंड्स हमारा टॉपिक नंबर 2 जो है वो है बैकग्राउंड के ऊपर। दोस्तों हम वीडियो में किस बैकग्राउंड किस प्रकार का बैकग्राउंड रखते हैं वो भी काफ़ी अहम हिस्सा है इस वीडियो का। दोस्तों बहुत सारी वीडियो जो वायरल होती है वो होती है शुरुआत के पब्लिक प्लेस में। शुरुआत की वीडियोस आपकी पब्लिक प्लेस की ही वायरल होती है क्योंकि लोग एकदम आपको देखेंगे उस वीडियो को कि बंदा पब्लिक प्लेस में कर रहा है तो बाकी देखने वाले लोगों का रिएक्शन किस प्रकार का होगा। दोस्तों कई सारे लोग शर्मा जाते हैं पब्लिक प्लेस में वीडियो बनाने से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो शर्माने से कुछ मतलब नहीं है, आपको जो काम करना है वो आप बेधड़क करिए। इसलिए पब्लिक प्लेस का काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो सकती है। इसी प्रकार हमारे को कहीं पब्लिक प्लेस के अलावा भी कुछ बैकग्राउंड रखना है तो वह थोड़ा हट के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपना हम बैकग्राउंड हम कहीं भी खड़े हो गए जैसे घास फूस में ऐसे वीडियो नहीं चलेगी, वो कोई देखेगा नहीं और आगे तक देखेगा नहीं उसको, मतलब 10 सेकंड भी अगर वॉच नहीं करेगा तो आगे वाली ऑडियंस रिटेंशन पे नहीं जाएगी। इसलिए बैकग्राउंड का भी एक मेन पार्ट होता है। फ्रेंड्स थर्ड नंबर की ट्रिक जो है वो है न्यू सॉन्ग। दोस्तों न्यू सॉन्ग का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि जो आज लॉन्च हुआ उसी सॉन्ग पर हम वीडियो बना दें। न्यू सॉन्ग का मतलब ये भी हो सकता है कि जो जिस सॉन्ग पर किसी ने भी अभी तक टिकटॉक वीडियो नहीं बनाई हो, जैसे कि आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ सागर गोस्वामी का, उसने बनाई थी वीडियो तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ। उससे पहले इस गाने पे वीडियो और किसी ने भी नहीं बनाई थी और उसकी वीडियो जैसे ही 10 लोगों ने देखी तो वो आगे 10 में फॉरवर्ड हुई और ऐसे ही करते करते वो वायरल हो गए क्योंकि गाना काफ़ी ट्रेंडिंग में आ चुका था और इस गाने की वजह से ही वो बंदा फेमस हुआ था टिकटॉक के ऊपर, इस गाने की वजह से ही फेमस हुआ था वो। ठीक है दोस्तों इसके अलावा आप एक चीज़ ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आज ही नया गाना लॉन्च हुआ उसके ऊपर भी बना सकते हैं क्योंकि वो गाना भी ज़्यादा सर्चेबल होगा, तो इस गाने के ऊपर भी आप बना सकते हैं। जो गाना नया आज भी रिलीज़ हुआ है उस पर भी बना सकते हैं और पुराने गाने पे तो आप बना ही सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आप जैसे कि कोई सा भी गाना जो आप सुनते होंगे वो और कोई नहीं सुन रहा होगा अभी, जो काफ़ी पुराने गाने भी रहते हैं जैसे मैंने वो सागर गोस्वामी का आपको उदाहरण दिया, ऐसा कोई सा भी पुराने गाने को लेके भी आप वीडियो बना सकते हैं, वो ज़रूर वायरल होगी। दोस्तों फोर्थ टॉपिक यहाँ पर आता है हैशटैग। दोस्तों हैशटैग जो आपकी वीडियो के नीचे जो हैशटैग लिखे हुए आते हैं वो समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो हैशटैग लगाने से भी आपकी वीडियो वायरल होने से काफ़ी लेन देन है उस चीज़ का। जैसे कि आप अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, जैसे मान लो जनता कर्फ्यू, मतलब हैशटैग लगा के जनता कर्फ्यू लिख सकते हैं, हैशटैग कोरोना वायरस, हैशटैग स्टे सेफ स्टे होम, ये हैशटैग लगाएंगे तो आपकी वीडियो काफ़ी चलेगी। इसी प्रकार से हैशटैग का भी बहुत महत्व रहता है। या फिर अपने जो वीडियो बनाई जिस गाने पर अपनी वीडियो वो हैशटैग लगा के उस मूवी का नाम
जैसे संजय दत्त का खलनायक गाना आपने वीडियो बना ली, उसमें लिखा हैशटैग लगा के संजय दत्त, तो अगर कोई मान लो संजय दत्त की भी कोई सी भी वीडियो सर्च करेगा तो आपकी वीडियो भी उसमें सर्च में आएगी। ये ज़्यादातर चांस होते हैं हैशटैग से, तो हैशटैग का भी आपके उसमें काफ़ी अहम रोल रहता है वीडियो वायरल होने में। दोस्तों पाँचवें नंबर की ट्रिक ये है कि आपके टिकटॉक में जो सर्च ऑप्शन रहता है उसमें सर्च ऑप्शन पर आप क्लिक जैसे ही करेंगे उसके नीचे कई सारे ट्रेंडिंग टॉपिक आ जाते हैं, और ट्रेंडिंग में जो जो वीडियो अभी चल रही है फर्स्ट ट्रेंडिंग सेकंड ट्रेंडिंग इस टाइप की वीडियो वहाँ पे शो हो जाती है। दोस्तों उन ट्रेंडिंग के जो सॉन्ग रहते हैं उन पे भी आप वीडियो बना सकते हैं और वो काफ़ी ही ज़्यादा चलेगी, क्योंकि वो जो ट्रेंडिंग में है उनमें करोड़ों करोड़ों व्यूज़ जो आते हैं वही वीडियो टिकटॉक पर ट्रेंडिंग में आती है, तो उस पर आप ट्रेंडिंग में बना सकते हैं कि ट्रेंडिंग में अभी क्या चल रहा है। जैसे अभी बीच में चल रहा था ट्रेंडिंग माई जर्नी, तो उस माई जर्नी पर आप क्लिक करते से ही मतलब जो आपके बचपन के फ़ोटो से लेकर आपके बुढ़ापे तक के फ़ोटो जवानी तक के फ़ोटो वो दिखाने लग जाता था एक एक करके, और मतलब बीच में से गायब करता हुआ और वो नया फ़ोटो लाता था, तो वो काफ़ी पसंद आया था दोस्तों कई लोगों को, तो वो उसमें वीडियो बनाने से काफ़ी सर्चेबल हो गई वो वीडियो और काफ़ी वायरल होने लगी। तो इस तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक में भी आप वीडियो बना सकते हैं सर्च ऑप्शन में जाके। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।